झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर मंत्रियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री दीपक बिरुआ, सत्यानंद भोक्ता और बन्ना गुप्ता ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। हो सकते हैं लेकिन पराजित नहीं, ये बात सच्चाई है। कोर्ट का मामला है, इस पर तो हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि उसको ऑब्जर्वेशन करना था और इस पर फैसला लेना था और जो किया है तो स्वागत जो है। हम लोग न्यायालय को पर विश्वास रखते हैं और देरी जरूर हुआ लेकिन फैसला उचित समय पर आया। मजबूती के साथ पूरा जोरदार आगाज रहेगा। 5-6 महीना से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया था और सबके माननीय उच्च न्यायालय पर भरोसा था कि आज निकल न्याय मिलेगा। न्याय मिला, हम लोग को बीच में आएंगे, होली दिवाली मनाएंगे। पूरे झारखंड में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होगा, फिर 2/3 से भी सरकार बनेगी। सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, और असत्य और सत्य में हमेशा जो है सत्य की जीत होती है। झारखंड का जन जन का नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी को न्यायालय ने जमानत दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बरी भी होंगे और पूरी बहुमत की आने वाली सरकार फिर हम बनाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।